इलेक्ट्रो ड्रैगन के चेकअप के बाद अभी समा गया इलेक्ट्रो ड्रैगन की छोटी बहन का चेकअप करने का टाउन हॉल 15 पे क्या उखाड़ सकती है, यानी कि इलेक्ट्रो टाइटन। इलेक्ट्रो टाइटन के अंदर भी वही काबिलियतें हैं जो कुछ कुछ इलेक्ट्रो ड्रैगन जैसी हैं, तो उसका इस्तेमाल ना किया तो भाई फिर जिंदगी में क्या ही किया। तो स्वागत करते हैं पापा मोगेम्बो सभी बालक बालिकाओं, छोरे छोरियों, लोंडे लोंडियों, मेरे सभी प्यारे नाना मामा फूफा चाचा ताऊ के बालकों के साथ निब्बा प्यारे निब्बियों का भी। फर्स्ट हमले की तरफ चलते हैं गाइस, और ये वाला बेस मिला है, किधर से करूं सोचना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन तो है नहीं। इधर से आर्टलरी है और सामने है इसका टाउन हॉल, दोनों चीजें उड़ानी है वरना दिक्कत हो जाएगी मामू। एक काम करता हूं, यहां पे स्टार्टिंग में अपना फ्लेम फ्लिंगर डाल देते हैं और टाउन हॉल को क्वीन चार्ज करने की कोशिश करते हैं। अबे यार ये कहां से आ गया, इसको ध्यान ही नहीं दिया गाइस मैंने। क्या नाम है इसका, चलो टेक डाउन हो गई है, जो भी नाम है नाम आप याद कर लेना, फिर से भूल गया नाम। दोनों चीजें एक साथ देखनी पड़ रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्वीन का भी ध्यान रखना पड़ रहा है और फ्लेम फ्लिंगर का भी। इलेक्ट्रो ड्रैगन कर मेरी रेज आई, रेज बर्बाद हो गई गाइस, नूब लेवल ओपी बोलते। मेरी क्वीन बावली पूंछ की तरह उधर भाग गई यार, कमाल है यार पगलेट क्वीन। टॉर्नेडो मिल गया, अरे यार दो फ्रीज तो मेरी यहीं पे लग गई है, मैं क्या करूंगा। चलो कम से कम आर्टिलरी टेक डाउन हो रही है, बाल को ब्रेक कर दिया गाइस, क्वीन किसी तरह बच गई है। इलेक्ट्रो टाइटन उतार दिया मार्केट के अंदर, और अब अरे सिलेक्टर डिफरेंट यूनिट क्यों कह रहा, आर्मी तो उतार लेंदे पुप्पा। ऑर्डन एबिलिटी दबा दिया भाई, वाह मेरी फ्लेम फ्लिंगर फट गई। सिंगल टारगेट निकालना पड़ेगा, आरसी डालना पड़ेगा। अरे क्वीन की एबिलिटी भी जाने वाली है भाई, माइनस एचपी पे चल रही है एकदम। ये इलेक्ट्रो टाइटन कुछ कर भी रहे हैं, आरसी भी नहीं मर रही इनसे। हेड इंटरव्यू उड़ गया मेरा गाइस, क्या हो रहा मेरे साथ ये। कोई नहीं, किंग और आरसी के पास अभी एबिलिटी बची हुई है हमारी, क्वीन के पास भी है। अरे बहुत जान है गाइस हमारे अटैक में, पापा मोगेम्बो प्रो लेवल है एकदम, जिस मर्जी को पिलवा लो, समझ रहे हो। हल्के में ले रहे हो क्या, स्पेल बची है नहीं बची, थोड़ा जल्दी तो नहीं बोलते, मैंने सिंगल टारगेट इन्फर्नो बचा हुआ है। कोई नहीं, किंग है किंग है, किंग उछल जा, आ तेरी दीवार उछल गया गाइस हमारा किंग। बुड्ढा भी आ रहा है, ये टी भी आ रहे हैं दो बाहर से, चलो आरसी का इलाज कर देगी हमारी क्वीन। अब सिर्फ बचा सिंगल टारगेट इन्फर्नो, और उसके लिए मेरे पास बचा है बलून, क्वीन, किंग, बहुत सारी चीजें हैं। अरे प्रो बोलते भाई, प्रो इलेक्ट्रो टाइटन प्रो। और अभी तो मोनालिसा नहीं मिली, मोनालिसा को मिलने दो, मोनालिसा को पेलूंगा अभी, मोनोलिथ की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, मोनोलिथ की अभी मिलेगा कहीं ना कहीं। बेस नंबर दो ये वाला मिल गया गाइस, सेंटर टनल के बेस से मेरे को बड़ा डर लगता है। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं उनके साथ, और खास करके ऐसी स्ट्रेटेजिकल आर्मी में। बुड्ढे से फनल बनाते हैं थोड़ी सी, लोग लुगाई लॉन्चर को डाल के सीधा आर्टलरी में से चार्ज करने की सोच रहा हूं। आइस गोलू आ गया, दो सुपर बॉलर आ गए हमारे, तीन हमारे इलेक्ट्रो टाइटन आ गए हैं। वॉल ब्रेक मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि वॉल ब्रेकर गलत दीवार को तोड़ देगा और आर्मी फिर सारी वहां पर घुस जाएगी, वैसा मैं चाहता नहीं हूं, इसलिए वॉल ब्रेकर को बचा के रखा है। एक एटी को भी बचा के रखा है। वार्डन एबिलिटी जल्दी तो नहीं दे दी मैंने थोड़ा, अरे दे दी तो दे दी, अब तो देखा जाएगा। घुस जाओ टाउनल वाले कंपार्टमेंट में। अरे आरसी से आरसी भिड़ गई, क्वीन पहुंच गई है, पर हीलर देखो, हीलर इलेक्ट्रो टाइटन पे लगी पड़ी है। अरे इलेक्ट्रो टाइटन दीवार तोड़ रही है पगलेट औरत। सीसी बाहर आ गया, सिंगल टारगेट ने क्वीन को पकड़ लिया। ले भाई ये गाइस अटैक थोड़ा फंसा फंसा सा लग रहा है मार्केट के अंदर। यार ये इलेक्ट्रो टाइटन तो मेरे वेस्ट जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, देखना दीवार तोड़ रहे हैं पगलेट की तरह। कुछ काम भी है इनका, मूड खराब कर दिया इलेक्ट्रो टाइटन ने मेरा।
दो दो सिंगल टारगेट इन्फर्नो जान लेने में लगे हुए हैं भाई। आरसी की तो गई एबिलिटी, सिंगल टारगेट एक और बचा हुआ है अभी। क्वीन के पास भी एबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रो टाइटन पहुंच गई, इलेक्ट्रो टाइटन पहुंच गई, निकाल लेगी सिंगल को। अरे निकाल, अरे आराम से निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ये बढ़िया करा भाई, अभी तो गाइस एकदम पावरफुल सा लग रहा है मेरे को अटैक। येटी है, किंग है, एक माइनर है, तीन आर्चर हैं स्वैग करने के लिए। स्वैग करके क्या करेंगे बट हम उनका बेस को जल्दी जल्दी उजाड़ के उजाड़ पुजाड़ देते हैं, है ना। अरे प्रो प्रो बोलते ब्रो, मुझे पता है, मुझे पता है। कई बंदे कह रहे होंगे यार मोगेम्बो इनके पास मोनालिसा तो है ही नहीं, मोनोलिथ तो है ही नहीं, प्रो बन रहा है। अरे भाई मैं जाके इनके बेस पे लगा के आ जाऊं क्या? नहीं है तो इनके बेस पे मैं क्या करूं, जैसा मिलेगा वैसा तो करना पड़ेगा। अब जो मैंने सर्च करा वो मिल रहा है तो हम पेल रहे हैं उसको। अभी मोनालिसा मिलेगी, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है। मोनालिसा से डर भी लगता है भाई, क्वीन को बहुत जल्दी मारती है। इलेक्ट्रो अटैक में मैंने कई बार देखा क्वीन अगर हत्ते चढ़ गई ना, किंग भी हत्ते चढ़ गया, कोई हीरो हत्ते चढ़ गया, इलेक्ट्रो ड्रैगन भी हत्ते चढ़ गया उसके, और भाई बहुत कड़ा डैमेज देता है मोनोलिथ। कोई नहीं, हमने भी लगा दिया, हमारे वाला भी तो देगा ना अपोनेंट को डैमेज, उसे भी देखेंगे। लो भाई जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई, मोनालिसा मिल गई हमको, और वो भी बेस के बीचों बीच, और वो भी तीन तीन मल्टी टारगेट इन्फर्नोस के साथ। इतना खतरनाक बेस तो मैंने नहीं मांगा था, इसको तो देख के डर लग रहा है मुझे। पीछे से ही करेंगे गाइस, पीछे से करने में मजा आता है क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें पीछे रखी हुई हैं। चलो गाइस थोड़ी सी फनल बना लेते हैं, तभी एंट्री हो पाएगी पीछे से, बिना फनल के हो नहीं पाएगी। आर्टलरी को लेने का है, आर्टलरी है यहाँ पे, और क्या लें भाई। ये मेरा बुड्ढा गलत भाग रहा है, बहुत दूर जा रहा है, उधर से आर्मी कैसे खींचूंगा मैं। वो और उधर जा रहा है बुड्ढे, रुक जा। किंग उतार, अरे किंग का पीछा ही नहीं कर रहा बुड्ढा, क्वीन का भी नहीं कर रहा, इस गोलम का भी नहीं कर रहा। भाई बुड्ढे वापिस आ मेरे बुड्ढे, मेरे प्यारे बच्चे। आ गया गाइस, आ गया बुड्ढा, आ गया। बुड्ढा नहीं आता ना तो मेरे को बुढ़ापा चढ़ जाता अभी यहाँ पे। एक और वॉल ब्रेकर अभी करें कि ना करें, नहीं करते। सही जा रहा है अटैक, जाने देते हैं। सारी आर्मी एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड होके चल रही है मार्केट में। वार्डन एबिलिटी देने का सही समय, क्योंकि मोनालिसा भूत बना देगी यहाँ पे मेरी आर्मी का। ये देख रहे मोनालिसा का अटैक। अः तेरी पेल, फ्रीज कर दो मोनालिसा, मोनालिसा से डर लग रहा है गाइस। चलो मल्टी आ गया बॉलर बम से। टाउन हॉल बचा है, सीसी भी बचा है भाई, क्वीन भी बची है, आरसी भी बचा है, बहुत हैवी डैमेज है, और मेरी सारी आर्मी बाहर भग गई है। अब मैं क्या करूं, क्या करें? जंप है, फ्रीज है, एक रेज है, पर वहां पे आर्मी तो है ही नहीं। चलो इसी को रेज दे देते, क्या कर सकते हैं अब। एक और फ्रीज, लास्ट फ्रीज लग गई है भाई, आरसी के पास एबिलिटी है। टाउन हॉल निकाल लो रे किसी तरह से। टाउन हॉल आ गया, नाइस। अपोनेंट की आरसी बची हुई है, एक हेड एंटर हमारे पास, इस्तेमाल कर लेते हैं उसका। खत्म गाइस, क्या बोला था, मोनालिसा जैसे ही मिलेगी। अरे नहीं बना, वो बच गया। यार ये किंग कहां से आ गया, मैंने तो सोचा ट्रिपल हो गया। गाइस किंग आ गया, एक मिनट। अरे मेरे किंग के पास भी तो एबिलिटी है। अरे ट्रिपल है, खत्म है। ओए बॉलर देखो कैसा लगा पड़ा हीलर के साथ, जैसे ही खत्म है बोल रहा हूं ना, मेरा एक ट्रूप मर जा रहा है, क्वीन मर गई। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। किंग के बच्चे घूम रहे हैं अभी मार्केट के अंदर, एक इलेक्ट्रो टाइटन भी घूम रही है मेरी बाहर की तरफ। अरे बहुत स्लो चलती है यार ये, इसकी स्पीड में दम नहीं है, देख रहे हो कैसे स्लो मोशन में घूम रही है, तेज होनी चाहिए थी। आज के आखिरी अटैक के ऊपर आ गए हम, एंटी टू स्टार बेस मिला ही है। इलेक्ट्रो ड्रैगन को बहुत फंसवाता है, वन स्टार करवा देता है भाई ये बेस। थोड़ी सी फनल बनाते हैं बुढ़ापे के साथ, फनल बन के तैयार है, वो इंतारते हैं। और लोग लुगाई लॉन्चर, दो बॉलर, बॉलर गलत उतार दे भाई, बाहर जाएंगे अभी, ये गलती हो गई है क्या? हाँ बाहर जाएंगे भाई, गलती हो गई गाइस, मिस्टेक हो गया हमसे थोड़ा सा। पॉइजन डाल दिया, वार्डन एबिलिटी बचा के रखता हूँ थोड़ी देर, बट यार ये तो वार्डन भी गलत जा रहा मेरा। और हीलर्स यार देखो हर बार ना क्या क्या दिक्कत हो रही है, इसके ऊपर शिफ्ट हो जा रही है, क्या नाम है इनका, इलेक्ट्रो टाइटन के ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। जंप तो मार दी है,
टाउन हॉल पे एक रेज है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया। टाउन हॉल आ जाए नमा, आ गया आ गया आ गया आ गया। स्कैटर बचे हैं दो दो, ओ और दोनों आ गए। अभी बचा सिंगल टारगेट इन्फर्नो और हमारे पास क्वीन किंग आरसी तीनों की एबिलिटी है। देखो इस बेस पे मोनालिसा नहीं थी, बट अगर होती भी तो जितनी हमारी आर्मी बची हुई है भाई बीच में ही ना पाड़ के फेंक देती उसको, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब आरसी की एबिलिटी स्वैग हो पाएगी क्या या फ्रीज स्वैग हो पाएगी? एबिलिटी तो स्वैग नहीं होगी यार, चलो फ्रीज तो स्वैग हो ही जाएगी और स्वैग से करेंगे इलेक्ट्रो टाइटन अटैक का अंत तुरंत। इसके बाद लाएंगे आपके लिए कुछ और नई अलग अटैक स्ट्रेटजी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चलो पहली बार सब्सक्राइब कर देना। 50 लाख नहीं 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं बस गाइस, 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर्स की कमी है, देखेंगे कि आप इस वीडियो में कितने सब्सक्राइबर बढ़ा पाओगे। मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।